तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। वहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स सहित तमाम अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मौके पर उपस्थित रहे, जिसके बाद राजधानी के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा गरजा। बता दें कि एनजीटी की रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2016 के बाद मलिन बस्तियों में 524 अतिक्रमण अवैध पाए गए थे, जिन पर अब प्रशासन का पीला पंजा कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। रिस्पना किनारे कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जो 11 मार्च 2016 के बाद के हैं। उसमें निगम भूमि पर 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिए गए। अभी तक स्थिति के अनुसार 15 लोगों के उसमें प्रत्यावेदन उचित पाए गए। 74 अतिक्रमण अभी भी ऐसे थे जो जिनके द्वारा ना तो कोई प्रत्यावेदन दिया गया और ना ही इनके द्वारा कोई और अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अभी आज से उन पर फेज वाइज मैनर में कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आज चुक्कू वाला और डालन वाला क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। रिस्पना किनारे